हूँ सितारों की दुनिया में। वेलकम, आपका दोस्त नईम रहमान सदीकी। आज मैं आपको चार पुर्जों का बताऊंगा जिनके मैंने आपसे वादा किया था कि कौन से चार पुर्जों का आपने सदका देना है, जिनका बुर्ज जोजा, शिमला, सजिटेरियस और पाइसिस हैं, इनके मैं सदकात बताऊँगा आपको। उससे पहले मैं आपको एक बात और भी बता दूँ कि जो मुझे लोग रابطہ करना चाहते हैं, वीडियो के नीचे मेरा टेलीफोन नंबर भी लिखा हुआ है और ईमेल एड्रेस भी लिखा हुआ है, उसमें मुझसे रابطہ कर सकते हैं। सबसे पहले बुर्ज जोजा की बात करूंगा। बुर्ज जोजा को बुध वाले दिन सदका देना है। ये बुध वाले दिन गुड़ का भी सदका दे सकते हैं और साबुत मूंग का भी सदका दे सकते हैं। अब दूसरे सदका मैं बताऊँगा बुर्ज शिमला का। बुर्ज शिमला भी जो इनको तो दो सदके देने हैं, एक सदका इनको ऑयल का देना है जुमेरात वाले दिन आधा पाव, और आधा पाव से मतलब ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, और ये बुध को भी सदका कर सकते हैं साबुत कलर के मूंग। सजिटेरियस को हफ्ते वाले दिन का सदका देना है, सही 8 हफ्ते देना है, 7 तरह के अनाज। पाइसिस वालों को ऑयल का सदका देना है जुमेरात को, और मंगल वाले दिन एक अंडे का सदका देना है मरीज का। अब जो लोग अपने स्टून के मतलब मुझसे पता करना चाहते हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि एक सादे स्टून के मतलब बताने से बेहतर ये है कि वो मुझसे सबसे पहले अपना जायचा बनाएं और फिर स्टून पहने। जायचे के अंदर कई दफ़ा आपका बुर्ज मतलब एरीज होता है, बुर्ज हमल होता है, जिसको मरजान भी लगता है, लेकिन कई दफ़ा जब जायचा बनाया जाता है तो ये उनको नीलम भी सूट कर जाता है। ये आपका जायचा बताएगा कि आपको कौन सा स्टून पहनना चाहिए, कौन सा पत्थर आपको लगेगा। उससे पहले मैं ये समझता हूँ यहाँ पर बताना या लिखना एक बेकार चीज़ है, कि मैं आप लोगों को ये सजेस्ट कर लूँ कि आप ये पत्थर पहने तो, और उसके बाद भी आप इतना पत्थर, उसका इतना कॉस्टली पत्थर परचेज़ करें और आपको कोई असर ना हो और बाद में कहें ये सारी बेकार की चीज़ें हैं। उससे बेहतर ये है कि सबसे पहले आप मुझसे अपना जायचा बनवाएं, जायचे के बाद जो मैं आपको पत्थर सजेस्ट करूँगा वो आप पत्थर पहने तो इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी के मामलों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।